दांतों के दो भाग होते हैं। मसूड़े के बाहर रहने वाला भाग क्राउन कहलाता है और दूसरे भाग को जड़ या रूट कहते हैं। यह भाग मसूड़ों से ढका हुआ रहता है। आगे के दांतों में एक जड़ रहती है और पीछे दाढ़ों में दो या तीन जड़ रहती है। तो मेरा नाम है डॉक्टर हर्षित राठौर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दांतों की जड़ों के बारे में। जब किसी दांत या दाढ़ में ज़्यादा सड़न लग जाती है तो दांतों के ऊपर का हिस्सा जिसे हम क्राउन कहते हैं टूट जाता है और सड़ा हुआ जड़ वाला हिस्सा मुंह में ही रह जाता है, जिसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। यह रूट सिस्टम कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। बाद में इन जड़ों में इन्फेक्शन बढ़ जाता है और दर्द और सूजन का कारण बनता है। एक्सरे में जड़ें कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। इन जड़ों को समय रहते निकलवाना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि यह बाद में तकलीफ और दर्द का कारण बनता है। थैंक यू।